शक्ति जी ने मथुरा काशी को चमका दिया, बनवा दिया, राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटवाई है। अच्छा, अभी सहारनपुर से ब्रज बन रहा है, सहारनपुर से ब्रज बन रहा है सीधा देहरादून के लिए, और अभी काम चालू है। जो राष्ट्र हित चाहेगा, देश का भला चाहेगा, समाज का भला चाहेगा, तो मोदी जी को चाहेगा, और जो राष्ट्र अपना खुद चाहेगा भला, तो मोदी जी को नहीं चाहेगा। वो जो राष्ट्र को चाहेगा, समाज का हित चाहेगा, वो मोदी जी को चाहेगा, और वहीं वोट देगा जाके। नहीं, बेरोजगारी नहीं होता तो मैं बिहार से यहाँ क्यों आता? बिल्कुल, अगर बिहार से बेरोजगारी की वजह से ही, बेरोजगारी की वजह से ही मैं बिहार से यहाँ आया। अगर बेरोजगारी ये मोदी के राज्य में इतने बढ़ गए, आसमान छू गए, 99% बेरोजगारी है। किसी भी युवा के, चलो पढ़े लिखे व्यक्ति हो, क्या करते भाई, कोई जॉब नहीं है, क्या करते, कोई जॉब है ही नहीं, बिल्कुल विकास की ओर है ही नहीं, कोई विकास हो ही नहीं रहा। ये मोदी राज है, रामराज ये कहना चाहते हैं, जबकि ये बिल्कुल रामराज नहीं। और जब ये कहना चाहते हैं कि मतलब राम को लेके आगे, जबकि इंसान को भगवान ने बनाया, भगवान को इंसान नहीं बनाया। इनका कहने का मकसद ये है और कुछ नहीं। सर, मेरा सवाल है कि मोदी जी ने आपको रोजगार नहीं दिया, तो फिर कौन व्यक्ति है जो रोजगार दे सकता है? कौन व्यक्ति है जो एक विकल्प है मोदी के सामने? ये तो केजरीवाल की सरकार लाओ सर। बिल्कुल, केजरीवाल की सरकार। दिल्ली में देखो सर, पहले दिल्ली में था, किसमें पढ़ रहे थे, मैं 2010 में यहाँ आया था, पढ़ रहे थे उस समय में, तो यहाँ पे सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं जाते थे पढ़ने के लिए, तो बोलता था कहाँ किस क्लास में पढ़ते बच्चे, तो बोलता था उन्हें मैं सरकार, बोलता यार ऐसे ही है। अब की सरकार में देख लो, जब से केजरीवाल की सरकार आए हैं, तो इसमें देख लो प्राइवेट छोड़कर सब सरकारी ही भाग रहे, क्योंकि केजरीवाल की सरकार में सारे एजुकेशन बिल्कुल अच्छे कर दिए गए, बढ़िया एजुकेशन, बिल्कुल बढ़िया एजुकेशन है। जिसको बढ़िया है, अगर मोदी के खिलाफ कोई जा रहा है तो भाई उसके पकड़ के जेल में बंद करो। मोदी जी के काम तो गिना के लोग थक गए हैं, क्योंकि वो तो महसूस सबको है, और सारी व्यवस्थाएं इस समय जो चल रही हैं बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, गाड़ी एकदम टनाटन है, कहीं से कोई झोल नहीं है। बस दिक्कत एक है जो थोड़ा सा टेंशन और सोचने का विषय है कि विपक्ष का, विपक्ष जो इस समय जो काम कर रहा है ना, वो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि देश को यही थोड़ी सी हानि है कि विपक्ष हमारा मजबूत नहीं है। अगर विपक्ष मजबूत होता, एकजुट होता, सही तरीके से, सही आइडियोलॉजी के साथ चुनाव में उतरता, उनके पास सही तरह के कार्यकर्ता होते बचे हुए। क्या लग रहा है देश में माहौल क्या है? मोदी जी ने कैसा कामकाज किया है? मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम करा है और बहुत बढ़िया देश चला रहे हैं, और 2024 में मोदी जी की सरकार बनने जा रही है, पक्का बनने जा रही है। हाँ बिल्कुल, 400 पार होगी, पूरी 400 पार होगी, और बहुत बढ़िया काम कर रही है मोदी सरकार। अच्छा, एक और मैं सवाल पूछ रहा हूँ, 10 सालों में मोदी जी ने ऐसा क्या काम किया जो परिवर्तन हो गया? मोदी जी ने एक काम नहीं, हजारों काम करे हैं। मोदी जी ने मथुरा काशी को चमका दिया, राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटवाई है। अच्छा, अभी सहारनपुर से ब्रज बन रहा है, सहारनपुर से ब्रज बन रहा है सीधा देहरादून के लिए, और अभी काम चालू है। क्या लग रहा है माहौल देश का? प्रधानमंत्री कौन बनता हुआ दिखाई दे रहा? नरेंद्र मोदी। आप किसको चाह रहे हैं? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी ने क्या काम किया जिससे दीवाना बन गया? बहुत काम किया, करने वाले हैं। अब बड़े बड़े लोगों का विकार होता है, आम जनमानस के लिए हमारे दमों में कोई वो नहीं, हमारे दमों की बदतर स्थिति हो गई है। आम जनमानस के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। इस बार किसको प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं आप लोग? कौन कौन विकल्प है प्रधानमंत्री? देखो, वैसे तो मोदी ने काम अच्छा किया है, दूर दराज सुरक्षा के मामले में देखा जाए, इतने एक से एक वाहन, दुनिया का सब कुछ किया, बड़े बड़े मुद्दे मोदी ने सॉल्व किए हैं, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कर पाए। बात तो ये है, अब है किस्मत का मामला, तीसरा चौथा टर्न है ना, ये इसमें बदलाव थोड़ा सा होना चाहिए, वैसे ऐसा लग रहा है। हाँ, कौन आएगा, किसको लाना चाह रहे हैं? अब लाने को तो ऐसा है, जिसकी मानसिकता देश के प्रति सही होगी, अपने परिवार की तरह जो देश को चाहेगा, वही आएगा ऑटोमेटिक। ऐसा चमत्कार होगा इस बार के लोकसभा चुनाव में, टंकड़ का चुनाव होगा, बिल्कुल टंकड़ का कांटे, एक दो सीट से हार जीत होगी, है ना। मोदी के सामने कौन है चेहरा? मोदी के सामने कोई एक चेहरा बताइए जो मोदी को टक्कर देगा। वही दे रहा है राहुल गांधी, जितना भी देगा वही देगा, है ना। और कौन है बताओ? राहुल गांधी। हाँ, कांग्रेस और बीजेपी, बताओ, चाहे वो राहुल जीत रहा नहीं जीत रहा, पर कांग्रेस देश में तो दो ही पार्टी है स्टैंप टक्कर देने पे। विपक्ष वाले कह रहे कि अगर मोदी जी तीसरी बार मान लीजिए जीत जाते हैं तो देश का संविधान बदल देंगे,
चुनाव नहीं होगा। ये आम आदमी पार्टी भी आज आरोप लगाई, कांग्रेस भी धड़ल्ले से आरोप लगाते जा रही है कि संविधान को बदल दिया जाएगा। जनता कैसे देख रही है? सुनिए, ये ना 2018 की बात है जब केजरीवाल शोर मचाता था कि लोकतंत्र अब नहीं हो, अब चुनाव होगा ही नहीं। अब वही जो है धर्रा पकड़ के कांग्रेस चल रही है, कांग्रेस वही कह रही है नहीं होगा 2024 में। ये जो है चूरन चाशनी अब चाटने वाली नहीं है जनता। जनता को पता है डेमोक्रेसी कब खतरे में थी, अब कब है, अब जो है डेमोक्रेसी पूरा फ्रीडम है। ये हिपोक्रेसी है ना, कोई आदमी खड़ा होकर प्रधानमंत्री को गाली बक देता है कहीं से भी, तो ये क्या लोकतंत्र नहीं है? आप जो जितना क्रिटिसाइज कर सकते हो मोदी को, आप सोच लो कि मोदी आया, चाय वाला कह रहे हो, चाय की पत्ती बागान तक पहुंच गए, चाय बेचनी पड़ जाए आपको, चाय की पत्ती तोड़नी पड़ गई, और अगर गोबर उठाना पड़ गया ना, गाय वाला आ गया, तो क्या हाल होगा? इस समय योगी और मोदी दो ऐसे, देखो वो ब्रांड अम्बेसडर है, उसको जिस राज्य में लगता है कि मेरी पार्टी थोड़ी कमजोर है वहाँ उतार देता, उसको स्टार प्रचारक वहाँ हो जाता उसका बल्ले बल्ले। बेरोजगारी नहीं होता तो मैं बिहार से यहाँ क्यों आता? बिल्कुल, अगर बिहार से बेरोजगारी की वजह से ही मैं बिहार से यहाँ आया। अगर बेरोजगारी ये मोदी के राज्य में इतने बढ़ गए, आसमान छू गए, 99% बेरोजगारी है। किसी भी युवा के, चलो पढ़े लिखे व्यक्ति हो, क्या करते भाई, कोई जॉब नहीं है, क्या करो, कोई जॉब है ही नहीं, बिल्कुल विकास की ओर है ही नहीं, कोई विकास हो ही नहीं रहा। ये मोदी राज है, रामराज ये कहना चाहते हैं, जबकि ये बिल्कुल रामराज नहीं। और जब ये कहना चाहते हैं कि मतलब राम को लेके आ गए, जबकि इंसान को भगवान ने बनाया, भगवान को इंसान नहीं बनाया। इनका कहने का मकसद ये है और कुछ नहीं। सिर्फ मेरा सवाल है कि मोदी जी ने आपको रोजगार नहीं दिया, तो फिर कौन व्यक्ति है जो रोजगार दे सकता है? कौन व्यक्ति है जो एक विकल्प है मोदी के सामने? ये तो केजरीवाल की सरकार लाओ सर। बिल्कुल, केजरीवाल की सरकार है सर। दिल्ली में देखो सर, पहले दिल्ली में था, किसने पढ़ रहे थे, मैं 2010 में यहाँ आया था, पढ़ रहे थे उस समय में, तो यहाँ पे सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं जाते थे पढ़ने के लिए, तो बोलता था कहाँ किस क्लास में पढ़ते बच्चे, तो बोलता था उन्हें, मैं सरकार बोलता यार ऐसे ही है। अब की सरकार में देख लो, जब से केजरीवाल की सरकार आए हैं, तो इसमें देख लो प्राइवेट छोड़कर सब सरकारी ही भाग रहे, क्योंकि केजरीवाल की सरकार में सारे एजुकेशन बिल्कुल अच्छे कर दिए गए, बढ़िया एजुकेशन, बिल्कुल बढ़िया एजुकेशन है। जिसको बढ़िया है, अगर मोदी के खिलाफ कोई जा रहा है तो भाई उसके पकड़ के जेल में बंद करो। जो राष्ट्र हित चाहेगा, देश का भला चाहेगा, समाज का भला चाहेगा, तो मोदी जी को चाहेगा। और जो राष्ट्र अपना खुद चाहेगा भला, तो मोदी जी को नहीं चाहेगा वो। जो राष्ट्र को चाहेगा, समाज का हित चाहेगा, वो मोदी जी को चाहेगा, और वहीं वोट देगा जाके नहीं।